हे गाइस एंड वेलकम टू ऑल इंडिया फुटबॉल। आज हम बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के दो न्यू साइनिंग मार्सेलिनो और मार्को सहानिक के बारे में। सो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का मैच आज चेन्नईयन एफसी के साथ होने वाला है, बट जैसा कि हमें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए ये सीज़न काफ़ी मुश्किलों से भरा हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के बहुत सारे प्लेयर्स बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके हैं। एफसी गोवा के साथ हुए मैच में हमें डेशॉन ब्राउन और रोशर जेला भी काफ़ी सीवियरली इंजर्ड होते हुए दिखे, जिनका अभी शोल्डर सर्जरी हाल ही में पूरा हुआ है। ऐसे में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को प्लेइंग 11 बनाने में काफ़ी मुश्किल हो सकती है। बट इसी इंजरी से भरे हुए सीजन में मार्को सहानिक और मार्सेलिनो हमें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए आशा की किरण बनते हुए दिख रहे हैं। बट देखने वाली बात यह है कि क्या ये दोनों दिग्गज प्लेयर हमें चेन्नईयन एफसी के अगेंस्ट खेलते हुए दिखने वाले हैं या फिर नहीं। सो जैसा कि हमने आपको रिसेंटली बताया था कि मार्सेलिनो अपनी क्वारंटीन पीरियड में थे और रिसेंटली उनकी क्वारंटीन पीरियड भी ख़त्म हो चुकी है। सो ऐसे में मार्सेलिनो हमें चेन्नईयन एफसी के अगेंस्ट खेलते हुए आज के मैच में दिख सकते हैं। सिमिलरली ऑस्ट्रिया के मिडफील्डर मार्को सहानिक, जो कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के दूसरे बड़े साइनिंग हैं, उनकी भी क्वारंटीन पीरियड ओवर हो चुकी है और वो हमें अपनी टीममेट्स के साथ ट्रेनिंग करते हुए भी दिखे गए हैं। सो ऐसे में हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए सही समय पर ये दोनों प्लेयर्स अवेलेबल होने की वजह से हमें मैच का हिस्सा होते हुए दिख सकते हैं। बट देखने वाली बात यह होगी कि टेबल के बॉटम में खड़े नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी क्या अपने सीजन के बचे हुए मैचेस में कुछ कमाल दिखा पाएंगे या फिर टेबल के बॉटम हाफ में ही रह जाएंगे। आपको क्या लगता है इसके बारे में हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए एंड इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, पेजेस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग एंड स्टे सेफ।